हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 16 मार्च 2019 है, शनिवार का दिन है और एक पेपर इंडस्ट्री का लेके आया था, ओरियन पेपर, क्योंकि आज अभी इलेक्शन चलेगा तो इसमें पेपर का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। और ऐसे भी अभी जो डोमेस्टिक इसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो आता बम्बूज वगैरह, तो वो स्टेगनेंट है कंपेयर टू जो इम्पोर्ट प्राइस है। और इम्पोर्ट प्राइस पे अभी ड्यूटी वगैरह भी लगाया गया और पल्प का राइस भी बढ़ गया है, तो इम्पोर्ट का कॉस्ट ज़्यादा है रेदर देन वो डोमेस्टिक कंजम्पशन कर रहे हैं। और उसके चलते हो सकता है कि अभी ये कंटिन्यू रहे, उसकी तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कंटिन्यू रहे, मार्जिन बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्शन में पोस्टर वगैरह जितने भी बनते हैं वहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन होता है, तो इनके डिमांड इस पीरियड में अभी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक अब देखेंगे, 16 तारीख को जो ये क्लोज हुआ है, 35 रुपये 45 पैसे हुआ है, निगेटिव क्लोज हुआ है इसने, 10,92,439 का वॉल्यूम भी है इसका, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपना कंटिन्यू ये गिरता हुआ आ रहा है 3 महीने से, और ये अब अपने बॉटम पे आकर के है। बहुत से बहुत ज़्यादा ये वापस अपना 30 रुपये तक का बॉटम दिखा सकता है अभी रिसेंट में, इससे नीचे इसको जाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बन रहा था, एक बार इसके बारे में जान लें थोड़ा सा, उसके बाद इस पर आगे बढ़ते हैं। ओरियन पेपर इंडस्ट्री लिमिटेड इज इंगेज मैनुफैक्चरिंग पल्प एंड पेपर, इलेक्ट्रिक लाइटिंग इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फैंस। इसका देखेंगे निगेटिव क्या क्या हो जाना, पहले सेल्स ग्रोथ निगेटिव है इसका। यहाँ पे सीके बिरला जी की कंपनी है और इसमें सीके बिरला जी को खास ध्यान इसमें दे नहीं रहे हैं, उसके कारण से ये कंसर्न है। और अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग परसेंट देखो तो 38.52 है। FII ने इसमें बाइंग पोजीशन बढ़ाई है और म्यूचुअल फंड भी बढ़ा रहे हैं, कोई गिरवी रखा हुआ नहीं है इसमें, अच्छी बात है। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, 38.52 न्यूट्रल है, मीन्स पहले से उनको मालिक को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। रिकमेंडेशन की बात करें तो ये कैपिटल सर्विस है, जोगिंद्र कैपिटल सर्विस है, 22 जनवरी को उन्होंने 60 का इसका टारगेट दिया था, जो अच्छा है और एक्चीवेबल है। अगर रिटर्न की बात करें तो 1 डे 1 वीक निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 मंथ का देखिए तो 8.23% है, 3 मंथ 6 मंथ ये सब निगेटिव है, और 3 साल 4 साल 5 साल का देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न बताता है। रिटर्न अच्छा है, ये भी अच्छा है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड भी अच्छा है, रिटर्न अच्छा दे रहा है, फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा दे रहा है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस भी अच्छा है इसमें, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 4% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8% है, डेप्ट इस इनके पास नहीं है, 90 है डेप्ट, ये कंटिन्यू रिड्यूस कर रहे हैं। और आप अगर बैलेंस शीट में भी जाकर के देखें तो ये कंटिन्यू अपने जो डेप्ट को हो रहा है वो रिड्यूस कर रही है। देखिए बोरोइंग्स, जितनी बोरोइंग्स थी पहले से वो रिड्यूस करते जा रहे हैं। अगर इनका प्रॉफिट लॉस देखें तो मटेरियल कॉस्ट में थोड़ा सा इनका देखेंगे, मटेरियल कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज हुआ था इनका मटेरियल कॉस्ट, आप ये देखें तो मटेरियल कॉस्ट जहाँ 31-32 मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट इसका 36 का 32% हुआ था। और एक मिनट क्वार्टरली रिजल्ट ले आके देखते हैं इनका, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे तो आप मटेरियल कॉस्ट जो देखेंगे 26 की जगह 29% हुआ था, इसके कारण इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था थोड़ा सा 21 से 19% आया था, फिर भी 19-20% अच्छा है। और अल्टीमेटली टैक्स आफ्टर टैक्स देखें तो इनको अच्छा खासा गेन था, क्योंकि यहाँ पे अदर इनके इंटरेस्ट जो था वो रिड्यूस हुआ था और डिप्रिसिएशन में थोड़ी सी बढ़त हुई थी, पता हो सकता है कि इन्होंने कैपिटलाइजेशन लिया जो भी हो। तो ओवरऑल आफ्टर टैक्स देखेंगे तो इसको 38% का अप टू दिसंबर का गेन हो चुका है। अगर इसके मैं कुछ रेशियोज की बात करूँ तो जो कि इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप देखेंगे तो इसकी इंटरप्राइज वैल्यू 837 करोड़ की है, यहाँ टोटल मार्केट कैप 752 का है, तो एक अच्छी चीज़ है। प्राइस टू कैश फ्लो 5.98, वो कम है, अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12.5 है, ये भी अच्छी बात है। और सेल्स टू मार्केट कैप देखें तो जितना ये सेल करता है उसका उसका मार्केट कैप उतना है, 1.08 के पास है। प्राइस टू बुक वैल्यू बोले तो 0.74 मिल रहा है, तो ये एक पेनी स्टॉक की तरह ही इसमें काम करें, इसको मैं पेनी स्टॉक इसलिए बोलूँगा, इसमें बहुत कुछ फॉल नहीं गिरने को है, ऐसा नहीं कि बहुत फॉल करेगा, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड दिखा रहा है। इसका जो 30 से 58 का जो रेंज है, इसी रेंज में जब तक ये दोनों रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं होगा। जिस रेंज को अगर लो 25 है तो 25 को तोड़ के हो सकता है लोअर लो बनाते, और ऊपर की ओर 38 तोड़ता है 58 तोड़ता है, अब देखेंगे तो ये यहाँ से इसका जो हुआ था गैप अप है 58.93, अगर इसको क्रॉस करता है तो ये 75-90 की ओर जाएगा। और लोअर लो की बात करें तो ये अगर यहाँ पे अगर आप देखिए इस लेवल पे 1920 तोड़ता है तो फिर ये अपने लो करके जा करके नीचे जाएगा। तो यहाँ पे इसको सपोर्ट है 25 के आसपास, और अभी जो रिसेंट सपोर्ट है इसको 30 के आसपास है, तो 30 से 25 की ओर हो सकता है ये दिखाए। ये अगर मैं इसको मंथली पैटर्न देख रहा था तो आप देखिए 3 ब्लैक रोज का फॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद ये अब जो फॉर्मेशन हुआ वहाँ पे सेल्स वॉल्यूम गिरा, पहले सेल्स ज़्यादा था
अब ये सेल्स में वॉल्यूम में कमी आई है और कहीं ना कहीं अभी बाइंग आई है इसको। इस मंथ में देखेंगे तो थोड़ा सा बाइंग पैटर्न चल रहा है, तो हो सकता है ये ऊपर की ओर वापस आपको 58-58 तक जाते हुए दिखे आपको। तो ये जो रेंज है इस रेंज बाउंड में ये अभी काम कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको दिखाने की क्रॉस करूँ तो ये अपर साइड में ये 58 की ओर जाता है और लोअर साइड में जो इसका है 25-30, मिनिमम 25 है और अपर जो है अपर तो जा ही सकता है ये 25। तो 25 से 58 के रेंज में ये आपको करता रहता है। तो अभी लोअर आपको 35 मिल रहा है, 30 में मिलता है, तो 58 के लिए आप इस पर जा सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अभी वॉल्यूम में बात देखें, रिसेंटली अभी देखें क्या हुआ, जब ये 38 के आसपास जा रहा था तो वॉल्यूम 24 लाख का हो रहा था, 14 लाख का हो रहा था और वहाँ से उसके बाद उसने फॉल लिया। अभी डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो अच्छा खासा 40% का डिलीवरी हुआ, 10 लाख का वॉल्यूम हुआ है डेली बेसिस पे देखेंगे तो। तो यहाँ पे बाइंग यहाँ से कहीं ना कहीं एक्युमुलेट होते हुए दिखता है कि इसमें बाइंग चालू है। और अगर मैं इसके मूविंग एवरेज को भी देखूँ 20, 50 और 200 को, तो यहाँ पे एक जो वीकली पैटर्न देख रहा था तो वीकली में थोड़ा सा एक हैमर बॉल नीचे की ओर लिया हुआ है, तो हो सकता है कि वीकली बेस पे ये शो कर रहा है कि नीचे की ओर एक बार जाएगा। और यहाँ इंडिसिसिव कैंडल बाद ग्रीन बना और यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए नीचे की ओर हैमर पैटर्न है और वॉल्यूम के साथ है, तो कहीं ना कहीं डिलीवरी बेस हो सकता है सेलिंग हो रही है इसमें वीकली बेस पे। तो एक बार हो सकता है कि यहाँ पे आपको 31 तक जाता हुआ दिखे ये, और अगर ये क्रॉस करता है अपने 20 मूविंग एवरेज 38 को क्रॉस करता है तो ये 58 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा। तो आप दो चीज़ पे वाच रखें कि 38 इसको क्रॉस करना है, 38 क्रॉस करता है तो 58 की ओर जाएगा और नीचे अभी कहाँ तक जा सकता है तो 30 की ओर जा सकता है। और ये आप देखिए वीकली में वॉल्यूम अच्छा है, यहाँ पे बाइंग थी अब ये वॉल्यूम सेल की है, तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम दिख रही है डिलीवरी बेस्ड सेलिंग का दिख रहा है, तो इस बात ध्यान में रखें थोड़ा सा। और यहाँ पे बुलिश है, बुलिश पैटर्न बनाया नहीं है, बुलिश रिवर्सल था लेकिन वहाँ बना नहीं। और अगर ये इंडस्ट्री कहीं मार्केट में ऐसा भी न्यूज चल रहा है कि इसको कोई बाय करेगा, अगर कोई बाय कर लिया, अगर आप इसके मैनेजमेंट को देखें आप थोड़ा सा देखिए, तो प्राइस अर्निंग रेशियो 8.85 है, बुक वैल्यू 62 का है और डिविडेंड भी देती है। एक अच्छी चीज़ बताऊँ इसको, डिविडेंड भी देती है, ये 2.82 का डिविडेंड यील्ड है, एक अच्छी चीज़ है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। और अगर मैं इसको मैनेजमेंट के बारे में बताऊँ तो मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि सेल्स ग्रोथ अगर निगेटिव है तो वो कहीं ना कहीं जा करके देखिए इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं चंद्रकांत बिड़ला, सी के बिड़ला जी इसके चेयरमैन हैं और डायरेक्टर वगैरह हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहनलाल पसिया मोहनलाल जी हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी सी के बिड़ला ग्रुप की कंपनी है, चाहें तो आप इसमें पोजिशन पेनी स्टॉक ग्रुप में दे सकते हैं। अभी जो फॉल था कंटिन्यूस फॉल होते हुए अब एक नीचे की ओर वो पैटर्न आया है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक नीचे की ओर जो पैटर्न बनाया था मंथली बेस्ट पे उसने बनाया है और ये कंटिन्यू फॉल होते हुए अपर साइड जब ये 58-59 गया था, ये 50 का हाई बना था, तो उसके बाद एक कंटिन्यू ब्लैक रोज बनाया था, 3 ब्लैक रोज बनाया था, फॉल दिखाया था, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब खत्म होते दिख रही है। और मंथली बेस पे देखेंगे तो एक ये जस्ट इसका रिवर्सल बाइंग पैटर्न आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग मतलब 58 के लिए कुछ लोग बाई कर रहे हैं और कुछ लोग जो है इसको नीचे लाने के लिए सेल भी कर रहे हैं। तो एक बार हो सकता है कि ये एक बार 30 की ओर जाए बट वापस ये 58 की ओर जाएगा। तो अगर आप इस लेवल पे भी बाई करते हैं तो आपको 30 पे भी बाई करना है, ये इस प्लानिंग से आप इसको बाई कर सकते हैं और 58 का टारगेट रख सकते हैं इसमें। और अगर ये इस गैप अप को ये गैप अप जो है अगर तोड़ता है 58 के गैप अप को तोड़ता है तो फिर ये 90 की ओर जाता हुआ दिखेगा और ये तभी होगा जब मार्केट में कुछ न्यूज होगा कि इसको किसी कंपनी ने बाय कर लिया, क्योंकि सीके बिड़ला जी को इंटरेस्ट दिखता नहीं, नहीं तो अदरवाइज सेल्स ग्रोथ जरूर वो इम्प्रूव करते, सेल्स ग्रोथ इनकी अच्छी नहीं है। तो अगर यहाँ पे कंसर्न में भी देखें तो डिलीवर पुअर ग्रोथ है सेल्स का, कंपनी से लो रिटर्न ऑन इक्विटी है और कंटिन्यूड लाइबिलिटी भी इसकी 280 करोड़ की है, एक इन्होंने 280 करोड़ की कुछ कंटिन्यूड लाइबिलिटी भी बना के रखी हुई है। बट अच्छा चीज़ क्या है, रिड्यूस डेब्ट है, वर्चुअली डेब्ट फ्री है, बुक वैल्यू बहुत सस्ता है एंड हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा है। तो कंपनी एज ए आप ये समझिए कि बिड़ला जी की कंपनी है तो एज ए वहाँ पे कोई इथिक्स की बात नहीं आती है कि इथिक्स खराब है ये खराब है। बिजनेस नहीं चल रहा है, थोड़ा सा कमजोर है, सेल्स ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं ये बिकते हुए दिखेगा आपको, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू रियलाइजेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जो 52 वीक लोग है 25 है और हाई है 53, तो ये रेंज में आपको कभी भी तो लोअर रेंज में ये 25 लो है तो 35 में मिल रहा है, हो सकता है 30 मिल ही जाएगा आपको, वहाँ से नीचे गए तो 25 मिल जाएगा।
तो 25 से 30 के रेंज में अगर आप इसको बाई करते हैं और वो 53 जाता है, और अगर कोई बाइंग न्यूज आती है और 58 को क्रॉस करता है तो वापस आपको जो 190-180 तक, तो वहाँ तक जा ही सकता है। तो ये सिर्फ मेरा एजुकेशनल पर्पज से व्यू था ओरिएंट पेपर इंडस्ट्रीज पे। चाहें तो आप इसमें एक्युमुलेशन लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये एक बार 30 और 25 भी हो सकता है दिखाए, लेकिन 30 तो जरूर दिखाएगा, 30 से वो ऊपर की ओर लेके जाएगा। तो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, अब मेरी कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई बाय करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाय पूछ के जान के फिर बाय करें। एक सिर्फ टेक्निकल व्यू था, ओपिनियन था मेरा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।